जो समाज में नैतिकता का गिरना हुआ है, उस कारण हुआ है कि लोग अपने धर्म से दूर होते चले गए और धार्मिकता रह गई, धर्म दूर हो गया। लोगों ने धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मैं जब लोगों के बीच में घूमता हूं तो पूछता हूं कि भाई आपके पास, हिंदुओं के पास का रामायण है घर में, महाभारत की कॉपी है घर में, कुरान है, वेद है, तो कोई कोई मिल पाता जो कहता है कि हाँ हमारे घर में है। तो जब आप अपने धर्म ना पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं भी विष्णु पुराण चल रहा था तो टीवी में देख रहा था, तो उसमें बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है और वो जब नारद पूछे कि भाई क्यों तपस्या कर रहा, तेरी बड़ी छोटी उम्र, कहता है कि मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु का दर्शन करके हटूंगा। उनके पिता उत्तानपाद अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, चारों तरफ तो ढूंढ रहे हैं, तो नारद मिले उनको। नारद पूछे कि भाई क्या मतलब, कहा कि मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूं। तो नारद ने कहा कि राजा का धर्म परिवार से ऊपर उठ करके है, अब आप एक बेटे के वियोग में पूरे राज्य को छोड़ दोगे, जनता को त्याग दोगे, उनके सुख सुविधाओं खाने रखोगे, ये तो गलत बात है। तो राजा जो है उसको पारिवारिक सुख जरूरी नहीं कि नसीब हो ही जाए, तो पारिवारिक सुख का नसीब ना होना राजा के किस्मत में है, लिखा हुआ है। भाई जब आप सब जनता के लिए उपलब्ध होना चाहते हो, चूंकि अब आप यहां तक कि अपने अपने ग्रंथों में कहा गया है कि राजा दुखी नहीं हो सकता, भगवान श्री राम के जो पिताजी जब मरण शैया पे थे तो वैसे तो दिखाया कि भाई कैकेयी उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनसे वरदान मांग लिया, उनसे मांग लिया, अपने डिमांड्स को मांग लिया कि राम को वन भेज दो, मेरे बेटा को गद्दी दे दो। लेकिन जब मरण शैया पे थे तो उस वक्त उनको ख्याल आया कि क्या गलती की हमने जो कि मुझे ऐसा ऐसा मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें जब जवानी में थे वो, जब युवराज दशरथ थे वो, तो उनके उनके पास ताकत थी शब्द भेदी बाण की, कि जहां कहीं शब्द सुनकर के मार सकते हैं जानवरों को। वो तो रात को घूम रहे हैं, एक जगह शब्द सुनाई दिया, पानी के चलने की आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज पानी, तो सुना और उन्होंने तीर लगा दिया। उनको लगा कोई शेर होगा, कोई हाथी होगा, तीर लगा जाके श्रवण पे। ये जो तीर लगा ये अनजाने में किया अपराध है, जानबूझ के नहीं किया राजा ने, युवराज ने। वहां गए, श्रवण ने कहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे अंधे माता पिता वहां बैठे हैं प्यासे, उन्हें कंठ सूख रहे होंगे। दशरथ के मन के जो भाव हैं आज के तारीख में सत्ता में बैठे लोगों को देखना चाहिए कि कैसा होता है राजा, कैसा होता है वो व्यक्ति जिसको कि जनता के ऊपर एक व्यवस्था चलाने का वक्त मिलता है, दायित्व मिलता है। वो कह रहा है कप रहे हैं, जब तुलसीदास ने जो बयान किया है कप रहे हैं, बिल्कुल घबराहट में है, कैसे हो गया मेरे हाथ से ये, क्योंकि युवराज था, एक युवराज के हाथों किसी की मृत्यु हो गई। अगर आज वो जो सड़कें पर बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां चलती है, मोटर जब कैवलकेट चलता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, बड़े बड़े लोगों का, और किसी अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई पूछता है, कोई उतर के देखता है कभी किसकी मृत्यु, के लोग कहते हैं क्यों सोया था वहां, क्यों आ गया था वहां। यहां राजा दशरथ के हाथों अनजाने में हुआ अपराध, उसके लिए इतना गहरा अपराध बोध है, इतना गहरा अपराध बोध है राजा दशरथ के मन में, उसको बयान नहीं कर सकते। वो गए मां के पास, उनके माता पिता के पास पानी लेकर के, तो मां पहचान लिया कि वो बेटा नहीं है, तो मां भी उस वियोग में चल बसी, और पिता चलते चलते पिता ने भी पानी लेकर के उनके हाथ उनके छीट दिया और कहा कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। एक तो भाई कर्म प्रधान देश है हमारा, कर्म प्रधान हमारी पूरी फिलॉसफी है। लेकिन अब ये देखें कि एक राजा राजकुमार अनजाने में हुए अपराध के अपराध बोध से भर गया और मरण शैया पे भी बैठ करके
उसकी आत्मग्लानी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं देखता हूं, वैसे तो हम तो डेमोक्रेसी में है, लेकिन मैं देखता हूं जिस तरह का दायित्व दे रखा है, जनता ने चुना है हमें, चाहे वो मैं हूं, चाहे एमपीज हों, चाहे एमएलएज हों, चाहे मिनिस्टर हों, कोई भी हो, आप अगर सोच के आए हैं कि जी मैं अपने परिवार को सुख दे दूं तो जनता को सुख ना दे पाओगे। आप अगर सोच के आए हैं कि जनता के सेवा में ही मेरा सुख है तब तो आप टिकें, नहीं तो फिर कुछ और धंधा अपना लें। जनता के सुख में अगर आपका सुख नहीं है, अगर आप बोलते नहीं जनता के दुख में सुख है, आंखों के सामने देश के विभिन्न सड़कों पे लाखों के तादाद में लेबर जा रहा है, डूब मरने वाली बात है राजाओं के लिए जो आज के राजा बने बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वो? कोई व्यक्ति अपने बीमार मां को कंधे पे लेके जा रहा है, पुणे से चला है, वाराणसी में पिक्चर खींची गई, बिहार तक जाएगा वो। क्या इतने राज्य बीच में आए कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राजा, किसी को ये भाव नहीं आया मन में कि जो पैरों में छाले पड़ गए, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा मां के सूट के उस पे ही लेट के सो गया, कोई एक छोटा सा गाड़ी कैसे बन के चल रहा है, कई सारे मेरे मजदूर साथी कंधे पे बैठा के पहुंच गए, यहां से बीवी को कंधे बैठा के पहुंच गए, एक 13 साल की बच्ची साइकिल चला करके पिता को लेके गई बिहार। मुझे तो बहुत दर्द होता है, काश अपने पास कुछ साधन होता जैसे कि मैं कुछ कर सकता। दिल्ली सरकार, जितनी ताकत दिल्ली सरकार के पास है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा 100-100 ट्रेनें दे दीजिए मुझे। जिस किसी व्यक्ति को, वैसे तो हमारे प्रथम प्राथमिकता है कि जो दिल्ली में, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जहां के भी साथी यहां बैठे हैं, नहीं बैठे, हम उनके खाने का, उनके राशन का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके मन में जाना सोच लिया है तो हम उनके लिए ट्रेनों का प्रबंध किया है और ट्रेन के मार्फत हम भेज रहे हैं उनको, बड़े आदर से, बड़े मान से, बड़े सत्कार से, खाना देते हुए, मोहब्बत करते हुए। हम, मैं खुद जाता हूं छोड़ने के लिए, बसों में, ट्रेनों में, स्क्रीनिंग सेंटर में। इतनी बड़ी त्रासदी भारत झेल रहा है, मुझे तो बहुत दर्द होता है, काफी रोना आता है, लेकिन क्या करूं? जितनी ताकत मेरे पास है, मेरे पास मेरे क्षेत्र की ताकत है, मेरे क्षेत्र में एक भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी आपको। किसी को खाना, किसी को राशन, किसी को ट्रांसपोर्टेशन, बिहार जाना है, यूपी जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, केरला जाना है, इस वक्त इस दौरान जो काम करने की मेरी गति रही है, 24 घंटा 48 घंटा काम कर रहा हूं पूरे 2 महीना। मैं कोरोना का रिजेक्शन ऑफकोर्स मानते हुए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने सबने कहा है, उसको मानते हुए खाना बांटने का, राशन बांटने का, सैनिटेशन कराने का, लोगों को घर छोड़ने का, मैं देखता हूं अपने धर्म ग्रंथ ही पढ़ लो, बाहर मत जाओ, अच्छे हिंदू बन जाओ, अच्छे मुसलमान बन जाओ, अच्छे सिख बन जाओ। क्या कहा सिखिज्म में? एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदिर। अब एक नूर से सारा उपजा है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये कास्ट हो, वो कास्ट हो, सब तो एक ही नूर से उपजा, तो कौन भला कौन मंदा। क्या कहा बाइबल में? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। यू कहा, ये नहीं कहा किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन क्रिश्चियंस, थोड़ी कह दिया। यू का मतलब सभी, हिंदू भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी, सब, सिख भी, सब। मुस्लिम ने क्या कहा? कुरान शरीफ में क्या कहा? रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है। ये नहीं कहा रबुल मुसलमीन, नहीं कहा कि रब जो पूरे मुसलमानों का है। तो मैं तो एक अपील करना चाहता हूं आप सबको कि अगर अपने ही धर्म ग्रंथ को पढ़ लो और आत्मसात कर लो, आत्मसात, आप उसके भावों से भर जाओ। राजा दशरथ की जिंदगी देख लो, देख लो ना, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो। मैं नहीं कह रहा कुछ भाजपा के, इस पार्टी के, उस पार्टी के मैनिफेस्टो नहीं पढ़नी है, भगवान श्री राम के चरित्र को देखना है, सीख लेनी है। भगवान श्री राम सबसे ज्यादा खुश होंगे अगर आज सड़कों पे चल रहे मजदूर साथियों की हम मदद कर पाए,
उनके पैरों में हम चप्पल पहना पाए, उनके आंसू पोंछ पाए, खाना खिला पाए, थोड़ी सी उनको छाया मिल जाए, पेड़ों की छाया, आपके टेंट की छाया मिल जाए, आपके बस की छाया मिल जाए, कुछ तो करो। अब जिस किसी में विश्वास करते हो, हिंदू हो अपने देवी देवता में विश्वास करते हो, मुसलमान हो अपने अल्लाह में विश्वास करते हो, क्रिश्चियंस हो यीशु क्राइस्ट में विश्वास करते हैं, सिख हैं दसम पातशाही हमारे सारे एक से दस तक हमारे सारे गुरु साहिबान हुए, विश्वास करते हैं आप, अपने ही धर्म के अनुसार चल लो। मैं ना कह रहा कि तुम हिंदू मुसलमान बन जाओ, मुसलमान हिंदू बन जाओ, कुछ नहीं कह रहा, अपने जिस धर्म में पैदा हो वही रहो और अपने धर्म का पालन करो, उसको पढ़ो समझो चलो। आज मानव को जरूरत है, जिसको ज्यादा दिया है ऊपर वाले ने, आज अपने धन की चिंता ना करो, जान बचे तो लाखों पाए, पड़ोस भी बचना चाहिए, अकेले बचे क्या करोगे। तो अभी अपने धन का सदुपयोग यही है कि कोई मजदूर, कोई गरीब, कोई जरूरतमंद आज हमारे धन से खाना खा ले, हमारे धन से पैरों में चप्पल पहन ले, तपती हुई सड़क पे चलने से बच ले, अपने घर पहुंच जाए, अपनी मां के साथ पहुंच जाए, अपने पत्नी के साथ पहुंच जाए, बच्चे से सलामत पहुंच जाए, ट्रेनों के पहियों के नीचे लेबर कट गया, नींद आ गई, शर्म आनी चाहिए सरकारों, कितनी बसें हैं, कितनी ट्रेनें हैं, प्राइवेट बसें हैं, सरकारी बसें हैं, आर्मी की व्हीकल्स हैं, सब चला दो ना, क्या करोगे बचा करके। और ये लेबर ही है जो देश चलाती है, अब देखना जो लेबर डिस्प्लेस हुए है ना, अब देखना फैक्ट्रियां कैसे चलती हैं, देखना कारखाने कैसे चलते हैं, आसान नहीं है। परमात्मा ने इस मौका के जरिए लेबर को, उनकी स्थितियों को सबके आगे एक्सपोज कर दिया। देखिए कहां है देश हमारा, 21st सेंचुरी चल रहा है। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने ही धर्म के अनुसार पढ़ करके चलो और चलो, पढ़ो और चलो, बगैर पढ़े नहीं, किसी और के सुनाए नहीं, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो समझो चलो। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लो, अल्लाह का आशीर्वाद लो, वाहेगुरु का आशीर्वाद लो, गॉड का आशीर्वाद लो।